100%, क्योंकि मुझे भी, मैं कई दिनों से पीछे पड़ा हूँ, मैं कई लोगों से मुलाकात की और वो ये कह रहे हैं ये पकड़े जाते हैं और पैसे देते हैं, कहते हैं तुम्हारे लिए आपको लगा देंगे, और पकड़ने वाला भी बदला रहता है और उनमें से कोई भी कुछ कर जाता है। ऐसे में इन दोनों को सख्त से सख्त सजा के साथ जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए जिससे ये बच्चियाँ बच सके, अंदर तक मुझे नहीं लगता ये बच्चियाँ बचेंगे। अरे यार मैंने पहले भी कहा लाइब्रेरी का जो पेपर आउट हुआ, संदीप मेहरा और शिव भगवान का नाम आया, वो कब जेल गए कब छूटे आपने पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे तो उसका दोष मिला कि भैया वो तो बाहर आके जमानत हो गई। और ये पता नहीं था कि पेपर ये चेयरमैन ने करवाया था, अदरस बोर्ड से हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था, मामले कब दिया और आज हम लोग सो गए। तो भाई साहब ये मोबाइल सीन कहाँ से आया था, वीडियो कहाँ से आया था, 12 लोग कौन थे, बीकानेर पाली में क्या हुआ था, सारी चीजें दब जाएगी, सारी चीजें। अरे भाई युवाओं के भविष्य के साथ प्रतारघात हो रहे हैं, क्योंकि अब नेताओं को जगाना होगा, आप सबको जागना होगा, फोन घुमाइए कहिए कि कब तक भ्रष्टाचार हम चेंज करेंगे, कब तक अन्याय होगा, आप कानून बनाइए। जब नेताओं की बात आती है तो संसद और विधानसभा में कानून बन जाते हैं, जब उनके पैसे बढ़ाने की बात आती है, जब उनके हितों की बात आती है तो रातों रात कानून बन जाते हैं। क्या युवाओं के भविष्य के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताइए? उन्होंने कह दी सजा को सड़ना चाहिए, वो सड़ना चाहिए, और कानून में भ्रष्टाचार ये भट्टियों में धान रुकेगी, अन्यथा आज ऐसा ही भट्टी 2021 के अभ्यर्थी आज हम क्या आंसू हो रहे हैं, पटवारी फिर भी हर भर्ती परीक्षाओं में ऐसा होगा, रोते रहिए, क्योंकि किसी नेता का बेटा पटवारी रीट ऐसा ही एग्जाम नहीं देता, किसान आम आदमी का बेटा एग्जाम। इसलिए इस आंदोलन को हमें जब तक जारी रखना है जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाए और कानून नहीं बन जाए। अरे भाई कानून बनाना पड़ेगा, और कानून नहीं बनता तो कहीं ना कहीं इसमें भी मैं 100% कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार जो भर्तियों में धान लिया पेपर लीक हो रहे हैं, इनमें कई बड़े नेताओं का हाथ मिलेगा कि भाई मैं तुम्हें बचा दूंगा, भाई मैंने 3 करोड़ कमा लिए, 1 करोड़ तेरे तू मुझे बचा, और 2 करोड़ मेरे उन्होंने उद्योग धंधा बना दिया। इसलिए नेता लोगों का भी पीछे हाथ है, दावे के साथ कह सकते हो, नहीं तो नेता लोग आए सड़कों पे और कहे कि कानून बनना चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी के हो, अरे भाई बेरोजगार पे ठप्पा लगाओगे किसी पार्टी का? सबको साथ आना चाहिए ना, सबको नेताओं को बोलना चाहिए कि भैया कानून बनाने के हम पास में, आप बनाइए कानून, क्योंकि हरियाणा में भी हमने सुनने में आया कि वहाँ भी कानून लाया जा रहा है, तो राजस्थान में भी कानून बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो हमारे अभिभावक हैं, सभी नेताओं से मेरी अपील है, भाई नेताओं आप सोचिए आपका बेटा और बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या होता। आज मकान जमीन गहने ये गिरवी रखकर लोग तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार कोचिंगों में फीस देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, जब पेपर लीक होता है, जब पेपर खुले पाए जाते हैं, जब वीडियो बन जाता है, जब मोबाइल अंदर चले जाते हैं, अरे कौन से संविधान में लिखा है, कौन सी भर्तियों में, हमने तो नहीं देखा कि मोबाइल अंदर जाता है, क्यों मोबाइल अंदर चला गया? अब खाना पूर्ति करने से कुछ नहीं होगा कि जयदेव को पकड़ लिया, अरे कितने जयदेव और हैं, उनको कौन पकड़ेगा, उनको कौन अंदर डालेगा, उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई? एक वीडियो कहा कि वीडियो आ गया था, जयपुर का भी वीडियो आया है, अगर भाई कह रहा था कि मैंने ऑब्जेक्शन दिया कि वहां पेपर खुल जाए, ये भी गड़बड़ी आई कि 5-7 लोगों को उठाया कि भैया आप संदिग्ध हो, उनके पेपर से बाहर ले गए और लास्ट में वापस उठा दिया, तो भाई संदिग्ध पेपर क्यों ले गए, उनको लेके जाते, तो कहीं ना कहीं उनको भी नकल करवाई गई है, तो हर जगह ये चीज सामने आ रही है। तो कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान रखना, हर नेता जाति और समाज के हिसाब से राजनीति करता है, लेकिन कम से कम आप भी राजनीति करना सीखो। अरे कहो कि हमने वो ताकत है, युवा का उल्टा वही होता है, वही चल के तो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उखड़ के हवा में उठ जाते, नेता लोग आपके सामने होंगे क्या? इतनी संख्या होगी कम से कम और वहां से उठेंगे नहीं कि हमें, लेकिन जिस प्रकार युवा
लाइब्रेरी से घर से नहीं निकल रहा। क्या कह रहे हैं क्या, ये चले जाएगा सुमित चले जाएगा, उपेन यादव है चिल्लाता रहेगा, वो तो उसकी आदत नहीं है 2 सालों का। अच्छा नौकरी के सवाल आएगा जब ज्वाइनिंग लेने जाएंगे तो साथियों को बोल ले जाएंगे कि भाई नौकरी लेने जा रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना कई लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, जब वो पॉइंटों से कुछ नंबर से रहेगा तब रोएगा कि काश उस आंदोलन में उस अभियान में साथ देते तो हमारे साथ अन्याय नहीं होता। आज वो देखा कि मेरा पेपर अच्छा हो गया, मेरा नंबर पक्का है, लेकिन जिस दिन परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि 12 लोगों के पास जो पेपर पूछा था वो पता नहीं कितने हजारों के पास पहुंचा। इस चीज को रुकवाने के लिए भाई सोशल मीडिया के अलावा मीडिया पूरा साथ दे रही है, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। अब आपकी आवाज उठा ले जो घर बैठे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे साफ सही चीज माने तो राजनीति होगी। अरे यहाँ पे आवाज उठाना, आवाज उठाना, आपकी आवाज उठाना, आप भी भूखे मैं भी भूखा, यहाँ खड़े है ना आपके, आपका ये राजनीति है। किसी गरीब औरत जिसके साथ गलत हो उसकी आवाज उठाने का गलत है। आज वो लोग जो आपके हितेशी बनते हैं, जब वो अच्छे अच्छे ऑफर देकर आपको कोर्स भेजते हैं, कहते हैं हम आपके साथ हैं, हमें बुलाया नहीं, भाई न्योता दिया जाएगा क्या, क्या किसी की शादी है क्या, जहाँ अन्याय हो वहाँ सब कुछ पहुँचाना चाहिए। भाई निमंत्रण देने की बात थोड़ी आना चाहिए, भाई ट्वीट कर रहे हैं कल परसों मेन फेस्ट में अखबार में भी 18 की 20 तारीख को धरना प्रदर्शन है, सारी चीज़ सबको पता है, फिर उसके बावजूद भी घर से नहीं निकलना और फिर कहना कि आप हमें तो बुलाए नहीं, भाई न्योते का इंतजार है क्या, आपको आना चाहिए साथ देना चाहिए। लेकिन साथियों आप युवा हो, आप अच्छी तरह जानते हो अच्छा और बुरा क्या है, क्योंकि हम सब मिलकर लड़ेंगे, जब बात जाएगी जब मुख्य सचिव साहब से मुलाकात होगी तो हम उनसे एक ही बात पूछेंगे कि साहब आप किसी के गार्जियन बनकर देखिए और उसे कर्जा लेकर उनको पढ़ा के देखिए, बाद में अच्छे पेपर लीक होगा कितना दुख होगा, आप अपनी इंसानियत अपने दिल से अपने अंतर आत्मा से बताइए क्या ये सही है। लेकिन एक चीज और बता दूँ आपको, जितने दोषी आप चाहिए मेरे इस बयान के लिए आप जितने दोषी जो पेपर लीक करने वाले उससे ज्यादा दोष आप लोग हम लोग हैं जो घर बैठे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल जो घर बैठे हैं अपने भविष्य के लिए हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब चुनाव प्रचार होंगे, जब किसी की जिंदाबाद करना है, नाराबाजी करना है, तो आप पहुंच जाओगे, दूसरे का भविष्य बनाने पहुंच जाओगे, लेकिन खुद के भविष्य के लिए नहीं जागोगे, अपने भविष्य के लिए जागे। भाई आप सोचिए, मैं खुला इतना नाम लेके बोलों को गिरफ्तार कर, मेरे पहले भी मुझे धमकियां मिली, मैंने कई मुकदमे दर्ज करवाए, बहुत धमकियां मिली, और अभी भी मैं सबसे खतरा बोल लेकर आप लोगों की आवाज उठा रहा हूँ, सब लोग चुप हो जाते हैं। मैं घर जाता हूँ तो मेरी मम्मी कहती है बेटा तुम मत बोला कर, तेरे को मैं 10 साल से वैसे ही अलग है, कोई कुछ कर जाएगा, माँ चिंता होती है, फिर भी सब कुछ भूल कर मेरा सपना होता है कि आज मैं घर नहीं जाता, 2 साल से लगातार आपकी आवाज उठा रहा हूँ, आज मेरे माँ बाप खुशी होगी, देश के लाखों माँ बाप खुश होंगे। आज यदि हम लोग हमारी मांग रखते हैं, हमारी मांग के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं।